अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं हरी मिर्ची की गवार की फली। उसके लिए हमें चाहिए गवार की फली। ये हमने 1.5 किलो गवार की फली ली है। इसे हमने अच्छे से तोड़ लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है और तोड़ लिया है। और हमने ली है एक बड़ी प्याज, उसे हमने अच्छे से चॉप कर ली है। हरे मसाले में हमने लिया है 2 हरी मिर्च, उसे हमने आधी आधी तोड़ ली है, और थोड़ी सी कोथमीर, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून हरी मिर्ची का पेस्ट, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून नमक। ये सारे इंग्रेडिएंट्स लगेंगे हरी मिर्ची की गवार की फली बनाने के लिए। देखिए, हमने चूल्हे पर कुकर रख लिया है। अब हम इसमें डालेंगे तेल, 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। देखिए, तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा और प्याज। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन हुए तक अच्छे से फ्राई कर लीजिए। देखिए, प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए, अदरक लहसुन अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची का पेस्ट। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम डालेंगे नमक, हल्दी। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे गवार की फली। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये अब हम इसमें डालेंगे 1/2 ग्लास पानी गवार की फली करने के लिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम डालेंगे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हम डालेंगे थोड़ी सी कोथमीर और हरी मिर्च। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम लगाएंगे कुकर का ढक्कन। हाई फ्लेम पे 3 सीटी लगाएंगे, सिम पे 1 सीटी लगाएंगे गवार की फली गलने के लिए। देखिए, हाई फ्लेम पे 3 सीटी हो गए हैं, सिम पे 1 सीटी हो गई है। गवार की फली अच्छे से गल गई है। देखिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए, हरी मिर्ची की गवार की फली डिश आउट करने के लिए रेडी है। देखिए, हरी मिर्ची की गवार की फली डिश आउट हो चुकी है। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार बनी है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे आप नाश्ते में बना सकते हैं रोटी के साथ। इसे आप जवारी की रोटी के साथ खाइए। जवारी की रोटी की रेसिपी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।